हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास पेन ड्राइव है या कोई भी मेमोरी कार्ड है, उसे आप OTG के थ्रू कनेक्ट करके अपने मोबाइल से उसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, यानी कि उसका जो भी डेटा है उसे आप क्लियर करना चाहते हैं, वो भी एक क्लिक में, तो आप बिना कंप्यूटर या बिना लैपटॉप को कैसे कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना होगा। सबसे पहले आपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लीजिएगा अपने मोबाइल से OTG के थ्रू। उसके बाद आपको सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा स्टोरेज। अगर यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर नहीं मिलता है तो आप सर्च करेंगे स्टोरेज। स्टोरेज आप टाइप करके सर्च करेंगे, यहाँ पर आ चुका है स्टोरेज। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो भी इंटरनल स्टोरेज होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन और भी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, जैसे आप OTG को कनेक्ट करेंगे या पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं SanDisk USB मैंने यहाँ पर ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट करके रखा। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में एक ऑप्शन मिल रहा है Clear USB Storage, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मेट एज पोर्टेबल स्टोरेज, नीचे इरेज एंड फॉर्मेट का एक बटन। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी पेन ड्राइव का डेटा होगा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यानी कि वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप अपने स्मार्टफोन के जरिए कोई भी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को OTG के थ्रू कनेक्ट करके उसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।